दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है कौशल पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माउंटेन शोर। तो दोस्तों अभी हम लोग एक ट्रिप की तरफ जा रहे हैं, एक यात्रा की तरफ जा रहे हैं, या आप कहो तो एक छोटे से ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं। और ये ट्रैकिंग स्टार्ट होती है हमारे गांव तजुबी नाम से। आप लोग मेरे पीछे का जो नज़ारा देख सकते हैं, ये इधर पूरा गाँव पड़ता है, आप लोगों ने देख लिया होगा। और अभी हम जा रहे हैं इस रास्ते। तो दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि बंदा अकेला जा रहा है, ऐसा नहीं है, मेरे साथ मेरा एक और दोस्त है, ये देखिए धर्म गैरोला जी। हेलो गाइस। तो ये मेरे साथ चल रहे हैं और दो बंदे और हैं जो काफ़ी आगे निकल गए हैं, हमसे मिलेंगे अभी रास्ते में, आप लोगों से इंट्रोड्यूस कराएंगे इनको। तो दोस्तों आप लोगों को दो और शख्स से मिलाने जा रहा हूँ जो कि साथ में चल रहे हैं। ये हैं भाई मंगलदीप जी। हेलो। और वो हैं संदीप जो कि अभी अभी आने में ज्वाइन हुए हैं, और मंगलदीप हैं बचपन से मेरे सहपाठी रहे हैं, साथ में पढ़ा हम लोगों ने, और आज बड़ी सालों बाद मौका मिला है संग में जाने का, क्योंकि अब आदमी हो ही जाता है इधर उधर काम पे व्यस्त, तो भाई भी काम पे व्यस्त रह जाता है, तो हम भी इधर उधर व्यस्त रहते हैं जिस कारण से साथ में नहीं हो पाते। तो आज कई सालों बाद साथ में जाने का मौका मिला है, तो चलिए। तो दोस्तों ये जो ट्रैक है, ये त्रिजुगी नारायण से पवाली कांठा तक का ट्रैक है। ये पड़ता है त्रिजुगी नारायण से पवाली कांठा तक 26 किलोमीटर का, और हम चार लोग हैं इस ट्रैक में। सो गाइस, फाइनली गांव से हम लोग पहुंच चुके हैं चौरी खाल, और ये है त्रिनान गांव से लगभग 3 किलोमीटर। आप लोग देख सकते हैं यहां पे बोर्ड लगा हुआ है लोक निर्माण विभाग का, और यहां पे 5 मिनट रेस्ट करने के बाद हम लोग फिर से अपनी चढ़ाई शुरू करेंगे। और नज़ारा देखिए आप यहां से, बहुत ही अच्छा सुबह का प्यारा नज़ारा आ रहा है, देख सकते हैं आप लोग। अपने गांव से हम लोग 3 किलोमीटर पहुंच चुके हैं, तो अभी हम 5 मिनट के लिए यहां पे रेस्ट करने के लिए बैठे हैं, क्योंकि यहां पे आप देख सकते हैं कितना अच्छा पानी आ रहा है, यहां पे प्योरीफाइड वाटर है एकदम, बहुत ही अच्छा देख सकते हैं आप लोग, डायरेक्ट जो है पेड़ों के नीचे से आ रहा है ये पानी। और हम लोग गाँव से तकरीबन 4 किलोमीटर ऊपर आ चुके हैं, यहाँ पे बैठते थोड़ा नाश्ता वास्ता करते हैं, क्योंकि सुबह से अभी तक कुछ खाया भी नहीं है। और यहाँ से जियो का नेटवर्क भी जाता हुआ। तो ये सामने देख सकते हैं आप, पहाड़ का नाम है केदार डोम हिमालय, और ठीक इसी के सामने जो है ये, यहाँ ठीक इसके नीचे यहाँ पे केदारनाथ स्थित है। और आप लोगों ने फोटो या पिक्चर्स या वीडियोस में देखा होगा कि केदारनाथ के पीछे का जो हिमालय है, ये देखिए हर जगह से यही दिखाई देता है, बहुत ही ऊँचा पहाड़ है, व्यूज तो क्या कहने भाई यहाँ के। तो गाइस चलते चलते हम लोग पहुंच चुके हैं कनेटू छानी, देख सकते हैं आप लोग यहां पे बोर्ड लगा हुआ है कनेटू छानी का, और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 7:30 करीबन बज रहे हैं, ये देख लिया आप लोग। और यहां का नज़ारा अगर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा तो हल्का सा बुग्याल पड़ता है यहां पे, काफ़ी अच्छा नज़ारा है यहां का, ये देखिए आप लोग, बहुत ही खुला स्थान है। गांव वालों के यहाँ पे एक छानी है, मुरड़ा है, उसको भी दिखाऊंगा अभी।
के नीचे हमारे गांव वालों की एक छानी है यहाँ पे मरोड़ा है, जो कि गाय भैंसों को अपने साथ रखते हैं 6 महीने के लिए। देखिए, और आप लोगों को यहाँ पे गाय भैंस साफ दिखाई देंगी, हमें तो साफ दिखाई देगी, सर मोबाइल से उतना कैप्चर ना हो पाएगा। देख लो आप यहाँ पे दिख रहे हैं, ये सामने कुछ यहाँ पे हैं और कुछ यहाँ पे चल रही हैं, और बाकी से मैदान से कुछ नीचे जा रखे हैं। यहाँ पूरे जो हैं गाय भैंसों का इलाका है ये, और यहाँ पे है वो छानी मरोड़ा जिसको बोलते हैं हम गढ़वाली में, हमारे गांव वालों का है। और व्यू देखिए आप यहाँ से, बहुत ही अच्छा नज़ारा आ रहा है। ये देखिए सुबह का मौसम है, टाइम अभी करीबन 7:30 हो रहा है और धूप यहाँ पे अभी अभी निकली है। देखिए तो चलते हैं अब यहाँ से भी आगे, अभी तो बहुत दूर जाना है, लगभग जो सामने वो टॉप दिखाई दे रहा है वहाँ पे, वहाँ निकलना है। तो चलते हैं अभी, मिलते हैं फिर आपको थोड़ी सी ब्रेक के बाद। और हम प्रवेश कर चुके हैं घने जंगल में। ये देखिए, आप मृग विहार क्षेत्र में कृपया सावधानी पूर्वक चलें। तो आप लोगों को आते जाते समय यहाँ पे कभी भी जंगली जानवर मिल सकते हैं। यूँ कहे तो घना जंगल होने के कारण यहाँ पे जंगली जानवर अवश्य रहते हैं। तो गांव से हम लोग करीबन 4-4.5 किलोमीटर तक आ चुके हैं, और अभी थोड़ा रेस्ट करते हैं 5 मिनट, क्योंकि थकान काफ़ी हो चुकी है। साउंड सुनिए आप नेचर का, बहुत ही अच्छा प्यारा साउंड आ रहा है। ये देखिए सारे लंडे बैठे हुए हैं। तो ये जो मार्ग है, ये पुराना, बहुत पुराना मार्ग है, यहाँ से पैदल यात्रा होती थी। ये है मार्ग केदारनाथ और गंगोत्री को जोड़ने वाला मुख्य पैदल मार्ग है। जब पहले के ज़माने में रोड नहीं हुआ करती थी, तो लोग यात्री लोग होते थे जो चारधाम करने आते थे, इसी रास्ते से आते थे। और जो ये रास्ता है, ये बहुत पुराना है, अच्छा रास्ता है, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर आए और भूल जाए, इधर उधर भटक जाएँ। बहुत ही अच्छी रोड लगी हुई है पुरानी, पूरा पैदल रास्ता बना हुआ है। और ये जो रास्ता है, त्रिनार से पंवाले होते हुए भुत्तू जाता है, और वहाँ से आप पहुँच जाते हैं टिहरी डिस्ट्रिक्ट को। ये जो रास्ता है, दो डिस्ट्रिक्टों को जोड़ता है, रुद्रप्रयाग और टिहरी को। तो जो पुराना यात्रा का मार्ग है वो यही है।